इंटेलिजेंस ब्यूरो में 677 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस वैकेंसी में साथियों आपको जो है एमटीएस के पद यानी पीओन के पद जो भी मिलने हैं और मोटर व्हीकल जो एसआई के जो पद होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड शामिल हैं। तो 600 पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान में भी इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग इसमें क्या बेहतर बात है और सारी जो जितनी भी जो इस भर्ती संबंधी जितनी भी जो आपके कन्फ्यूजन है जो इशूज हैं ऑनलाइन फॉर्म है, उम्र सीमा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस किस स्टेप से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न से लेकर सारी चीज़ें मैं आपके आज के इस वीडियो में आपसे क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों राजस्थान में चल रहा है चुनावी दौर और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिल रही है, तो अभी आपके लिए बेहतरीन अवसर है, अभी आपका जो समय है उसका सदुपयोग किया जाए। और जो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है ये राजस्थान के कैंडिडेट के लिए भी बहुत अच्छा अवसर साबित होने वाली है, क्योंकि जो खाली टाइम होता है उसमें आप बेहतरीन ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने जो आईबी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इंक्लूड किया। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कमेंट्स करते हैं कि सर ये वैकेंसी नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा, तो मैं आपको अप्लाई करने का लिंक वगैरह दे दूंगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीजें यहां पर हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हैं, सारी चीजें यहां पर। जो आपके फॉर्म है वो साथियों 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 13 नवंबर आपके इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है, आपको इससे पहले अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है उसमें जो ये वैकेंसी निकली है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, मतलब आप राजस्थान में जो अपनी वैकेंसी आती है मोटर व्हीकल एसआई वाली, सेम वही पद आपको यहाँ पर मिल रहा है। वही मल्टीटास्किंग स्टाफ है, एमटीएस है, मतलब जिसको एक तरीके से आप पीओन बोल सकते हैं। तो दोनों पदों पर यह वैकेंसी है। एमटीएस में 10 पास योग्यता है और एसआई एमटी में क्या योग्यता है वो भी हम बात करेंगे। अब मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट इसके लिए एसआई एमटी का यूज करूंगा, जिसको आप समझ जाइएगा कि मैं मोटर व्हीकल एसआई की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया के ये जो पद हैं सारे इंक्लूडेड इसमें आपको पद देखने को मिल जाएंगे और दोनों पद मिला के आराम से 300-300 पदों की संख्या आराम से। ऐसे एमटी के अगर मैं पदों की बात करूं तो टोटली 362 पद हैं और आपके एमटीएस के 315 पदों पर ये जो है भर्ती जो करवाई जा रही है और उसमें आपके जयपुर के भी जो पद हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया की ये जो वैकेंसी इसमें रहने वाली है और उसमें आपको जयपुर में भी पोस्ट इसकी इंक्लूडेड है और इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस भर्ती की मैं बात करूँ तो ये आपको जनरल जो सेंट्रल सर्विस होती है ग्रुप सी के, उसके नियमानुसार आपको इसमें सारे पे आउट वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। नॉन गजेटेड ये सारे जो पद है नॉन ग्रुप सी का, और यहाँ पर जो एमवीएसआई वाली जो पोस्ट है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट है। एमवीएसआई इसको एज ए इक्वल नहीं कह सकते, बट वो लगभग कुछ सारी चीज़ें वही रहेगी क्योंकि आपको लाइसेंस वगैरह वो सारी प्रोसेसिंग भी इसमें है। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं एक लेवल 3 की जो पोस्ट है ये रहने वाली है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो मतलब एक ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी के साथ वगैरह रहना होगा। और बाकी आपके जो ये एमटीएस की जो पोस्ट है लेवल 1 की 18,000 से 56,900 पे आउट रहेगा, लेवल 3 का ये पे आउट भी आप देख पा रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट अलाउंसेंस वगैरह इंक्लूडेड रहते हैं, जो आपका डीए वगैरह होता है वो सारे उसमें जुड़ के मिलते हैं। पे आउट की टेंशन लेनी नहीं है, बस आपको बात वो है कि आपका गवर्नमेंट ठप्पा लगना चाहिए। दूसरी बात अपन कर लेते हैं, आप जैसे अपन देख लेते हैं 10th पास आपका इसमें मांगा गया है किसके लिए, मतलब ये जो एमटीएस स्टाफ है उसके लिए यहाँ पर जो है 10th पास आपका कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। केवल एमटीएस के लिए ओनली 10th पास ही है, बाकी अगर आप ऐसे एमटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एलएमवी में लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है फोर व्हीलर वाला, नॉर्मल अगर आपने लाइसेंस बना रखा है कार वगैरह चलाने वाला तो वो आपका जो लाइसेंस है तो वो फिर चल जाएगा। फिर मोटर मैकेनिक्स में जो है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए और 1 ईयर आपको यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 1 ईयर का वो भी आपको इसमें साथ लगाना होगा। 1 ईयर आफ्टर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस का भी आपको प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तो ऐसे एमटी के लिए ये होगी। एमटीएस के लिए आप 10th पास है तो आपके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना ही होगा। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की मैं बात करूं तो ऐसे एमटी के लिए आपको जो है मैक्सिमम है 27 और जो एमटीएस के लिए 18 से 25, इसमें आपको कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिल जाएगी। अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, मतलब जैसे एमटीएस में ओबीसी का कैंडिडेट है वो 28 साल तक अप्लाई कर पाएगा और जो एस एम टी वाला है तो वो आपको 27 में और 5 जोड़ दीजिएगा। तो उस अकॉर्डिंग ये जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको दे रखा है, तो आप इसमें नॉर्मली सारा देख के समझ सकते हैं। मैं जो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए वो सारी बातें मैं इसमें क्लियर करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, आपको जो जो फॉर्म अप्लाई करोगे टीयर 1 में आपका क्या होने वाला, एग्जाम होने वाला और आपको 5 ऑप्शन है वो देने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो किस किस जगह आप सेंटर चाहते हैं। तो आपको सेंटर के लिए 5 ऑप्शन मिलेंगे, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर,
अगर आप दे सकते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो, बाकी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, ये दूसरे जो भी सेंटर के ऑप्शन अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके मॉब एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो ऐसे MT प्लस MTS के लिए जो आपका एग्जाम रहने वाला है टोटली 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चार पार्ट जो क्वेश्चन रहेगा और पेपर आपका चार पार्ट में रहेगा। जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, टोटली 100 क्वेश्चन हो गए। एक घंटे का आपको समय मिलेगा और आपको 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये तो हो गया MTS के लिए, केवल और केवल टीयर 1 की जो प्रक्रिया वही होने वाली है। फिर अगर आप मान लो आप ऐसे MT में अप्लाई करते हैं तो उनको टीयर 2 भी क्लियर करना होगा, MTS के लिए ये वाली चीज लागू नहीं है, केवल और केवल ऐसे MT वालों के लिए ही लागू है। ऐसे MT वाले फिर टीयर 1 क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर 50 नंबर का आपका जो है मोटर मैकेनिक और ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें फिर आपको ये फिर क्लियर करना होगा। तो इसमें आपको जो मोटर वगैरह होता है, गाड़ी चलवाई जाएगी, उसके मेंटेनेंस हैं, इसके डिफेक्ट हैं, वो वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको देखना होगा। तो 50 नंबर ये मिलेंगे। उसके बाद फिर टीयर सेकंड जो MTS वाले हैं उनके लिए यहाँ पर आपका जो है जो टीयर सेकंड यहाँ पर करवाया जाएगा, और उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो मतलब आपका ग्रामर है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपका वार्तालाप किस प्रकार से आप कर सकते हैं, टॉकिंग वगैरह, तो उसके लिए भी आपका एक इंटरव्यू रहेगा। MTS वालों के लिए भी 50 नंबर का और MVSS MT वालों के लिए 50 नंबर का, ये दोनों की कैटेगरी अलग अलग रहेगी। टीयर 1 एग्जाम आप दोनों का कॉमन रहेगा। तो यहां पर ये सीधी सी बात है कि आपको कंप्लीट जो 10-10 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर टीयर 2 होने के बाद फिर आपको उसमें फाइनल मेरिट निकाली जाएगी दोनों की मार्क्स इंक्लूड करके, और आपको फिर सब पोस्टिंग दे दी जाएगी। कट ऑफ मार्क्स में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, हालांकि मिनिमम की कोई बात रहती नहीं है, 5 सेंटर आप दे रहे हैं, 1/4 की इसमें मार्किंग भी रहने वाली है। आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों एग्जाम्स की बहुत में मेरिट बनेगी फाइनली, और आप अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीयर 1 दोनों के लिए, फिर टीयर 2 आप दोनों वाला देंगे और उस आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यहां पर अगर MTS वगैरह की ये सारी इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली मैंने सारी जितनी भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है। तो आपको 13/11/2023 से पहले जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है ताकि आप इजी में इस भर्ती में शामिल हो पाए, और आपको 16 से पहले फीस जमा कर देनी है। तो अगर आपका MTS और रजिस्टर्ड इंटरेस्ट है तो जरूर आप इस भर्ती को फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। बाकी मैंने मोस्टली जितनी भी जो बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी है, लिंक वगैरह मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और उससे टाइम से सारी चीजें भी ले पाएंगे। और फुल नोटिफिकेशन भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक भी उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप सारी चीजें देख सकें। तो अपना एजुकेशन जॉब प्लान टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये मैंने खबर अपलोड करके आपको इंफॉर्मेशन दी थी, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर ज्वाइन करने का यही फायदा है कि आपको हर अपडेट मिल पाती है, सबसे पहले भर्ती संबंधी सारी अपडेट्स मैं यहां पर लगातार आपसे शेयर करता हूं, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मल्टीटास्किंग और जो ये सुरक्षा सहायक मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी थी बारे में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की, और कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।